नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ए टू जेड न्यूज लाइव और आपके लिए यह हाजिर है स्पेशल रिपोर्ट। भले ही बिहार में नीतीश सरकार को सड़कों के जाल वाले सरकार के रूप में भी लोग जानते हैं, लेकिन बिहार में ही कई ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे जो आज भी एकमात्र सड़क के लिए लालायित है और सड़क के इंतजार में उस गांव का विकास बाधित है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में जारंग गांव ऐसा गांव है जहां दो सड़क गांव से गुजरती है। एक मुख्य सड़क चकाचक कालीकृत पीच निर्मित है तो दूसरी सड़क आज भी सदियों पुरानी अंग्रेजी हुकूमत सी फटेहाल सी जिंदगी व्यतीत करने वाली दिखती है। यकीन न हो तो फोर लेन से सटे हुए जारंग से बलुआहा, भूसरा, चंद्रहास और कटरा जाने वाली मुख्य पथ का एक बार मुआयना कर लीजिए। स्वस्थ व्यक्ति भी यहाँ चलकर बीमार न हो जाए तो क्या कहने। यह अलग बात है कि जारंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार विकास यात्रा तो दूसरी बार धन्यवाद यात्रा के सिलसिले में पहुंच चुके हैं, बावजूद फोर लेन के किनारे स्थित जारंग से कटरा जाने वाली गांव की और जारंग पश्चिमी पंचायत की यह दूसरी मुख्य सड़क आज भी खस्ता हाल के रूप में विद्यमान है। गांव वालों के अनुरोध पर ए टू जेड न्यूज लाइव टीम जब इस जारंग पश्चिमी पंचायत क्षेत्र का रुख किया तो यहां की सड़क की समस्या को देखकर काफी अचरज में पड़ गया। गांव वालों ने बताया कि जब नीतीश सरकार के आगमन की बात होती है तो इन गड्ढों को भरकर परिचालन लायक बना दिया जाता है, बाद में समस्या जस की तस रह जाती है। इस मामले को लेकर ग्रामीण गायघाट के प्रखंड स्तरीय अधिकारी से मुजफ्फरपुर के जिला स्तरीय अधिकारियों के दरबार में चक्कर लगाकर थक चुके हैं, बावजूद इस सड़क की मरम्मती के नाम पर भी अधिकारियों ने रहमत नहीं दिखाई। यह अलग बात है कि बिहार में सड़कों के निर्माण में करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। जारंग पश्चिमी पंचायत क्षेत्र से देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। यह अलग बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री सड़कों के विकास के लिए जाने जाते हैं और यह भी अलग बात है कि मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय का गायघाट प्रखंड क्षेत्र विकास के मामले में अलग स्थान रखता है और गायघाट के जारंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कदम भी कई बार पड़ चुका है। बावजूद जिस सड़क की बात ये तमाम भीड़ आपको बता रही है वो सड़क है जो फोर लेन से जोड़ती है, जारंग पश्चिमी पंचायत का हिस्सा है, करीब 10,000 की आबादी है इस पंचायत में और एकमात्र सड़क के लिए लालायित है। कहा जाता है कि वह कोई अधिकारी नहीं जिले में, गायघाट प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक तमाम दफ्तरों में इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, मनुहार कर ली, गुहार कर ली, लेकिन नहीं बना यह सड़क। जब जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम यहाँ पर होता है तब तब इस सड़क को मिट्टी डालकर चलने लायक बना दिया जाता है। डर इस बात का होता है यहाँ के लोगों को और यहाँ के अधिकारियों को कि कहीं मुख्यमंत्री जी की नजरें यहाँ इनायत नहीं हो जाए। इस नजर से बचने के लिए इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कारवां जैसे ही यहाँ से गुजर जाता है उसके बाद फिर गड्ढों में चलने की जो परंपरा है वो चलती रहती है। क्या बताया यहाँ के लोगों ने, क्या है मुख्यमंत्री के बिहार के एक गांव की सच्चाई जहाँ के लोग आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी एकमात्र सड़क के लिए ललायत हैं। जब ए टू जेड न्यूज लाइव इस गांव का रुख किया तो यहाँ के लोगों ने बस एक ही बात बताया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो चाहिए तो मात्र एक सड़क चाहिए, बना दें मुख्यमंत्री जी सड़क, क्योंकि जाने जाते हैं सड़कों वाले मुख्यमंत्री जी के नाम से। आखिर कब पड़ेगी उनका नजर, उनके सिस्टम के वरीय अधिकारी कब देखेंगे इस गांव को, इसका इंतजार है यहाँ के तमाम गरीबों को। राजनीतिक दलों में जिनको भगवान के रूप में माना जाता है महादलित परिवार, वैसे भी सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार इस इलाके में बसते हैं, लेकिन फिक्र उनको नहीं है, सियासत वाले को। आखिर इस पंचायत पर नजर कब पड़ेगी,
यहाँ के लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। कितने दिनों से परेशानी है? सालों से परेशानी है यहाँ पे। ये कौन सा रोड हुआ? ये जारंग जनक सिंह के टोला से होते हुए चंद्रहास नगर होते हुए जारंग असिया होते हुए निकल जाती है चोरनिया की तरफ और इधर बोरवनी की तरफ। कितना आबादी प्रभावित होगा इससे? इससे लगभग 5,000 पब्लिक प्रभावित हो रहे हैं। ये हम लोग कई एक बार मुख्यमंत्री यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर के विधायक तक हम लोग संपर्क साधने का कोशिश किए लेकिन कहीं से कोई। अच्छा, ये जारंग गांव है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। जी हाँ। तो फिर रोड क्यों नहीं बना? नहीं, जिस समय मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री आने वाले होते हैं उस समय अधिकारियों की तरफ से कुछ पहल किया जाता है, बाद में उस पर शून्य दिखाई देता है, कहीं कुछ नहीं हो पाता है। जहाँ तक कि हम लोगों का संपर्क हाईवे से इतना टूट चुका है कि यहाँ तक कि कोई जच्चा अगर बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसको खाट पर लेकर के जाना पड़ता है यहाँ से हाईवे की तरफ, और वहाँ से कोई टेम्पो हो या कोई भी गाड़ी हो उस पर रख करके ले जाना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई बीमार अगर वृद्ध हो जाते हैं उनको कंधे पर रख करके, कभी खटिया पर रख करके उनको ले जाना पड़ता है। चार चक्का की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ बाइक से भी चलना मुश्किल हो गया है हम ग्रामीणों को। आपके यहाँ रोड डैमेज है, कभी प्रयास नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। प्रतिनिधि नहीं सुनते हैं आपकी बात? कोई नहीं सुनते, आते हैं बस इलेक्शन होते हैं तो अपने समय पर आते हैं, बस देखभाल किए बस बोलते बन जाएंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कितना लोग प्रभावित होगा? सभी गरीब लोग रहते हैं इस बस्ती में? गरीब रहते हैं, सब गरीबे हैं, अमीर तो है नहीं कोई, सब यहाँ गरीब है, खेती बाड़ी करते हैं, दिल्ली पंजाब कमा के आते हैं बस, वो कोई धंधे नहीं है यहाँ पे। कौन से गाँव से है आप? जारंग टोक से है। अच्छा, ये अभी जो सड़क पर आ रहे हैं गाड़ी चलाने में देख रहे हैं कि काफी जर्किंग है, परेशानी हो रही है, ज्यादा टूटा फूटा हुआ है। ये कितना दिनों से परेशानी? काफी दिनों से। क्या नाम है छोटू? आयुष कुमार। इस साइकिल को ठेल के ले जा रहा है, बहुत परेशानी होती है जाने में? हमारी तरह और भी बच्चे इसी तरीके से साइकिल चलाते हैं जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार। जिस सड़क पर आप चल के आ रहे थे अभी काफी डैमेज है जी, कैसे रहते हैं यहाँ पर लोग? यहाँ रहते तो बहुत कठिनाई से, लेकिन इसके लिए हमने प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उसके बाद वो बोल करके चले गए। अच्छा, जारंग में मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, इसके बावजूद इस तरह के हालात में आपका सड़क है जी, कुछ अटपटा सा नहीं लगता आपको? बहुत लगता है, देखिए रहे हैं आप लोग भी, आप लोगों को आमंत्रित किया गया है ये सब देखने के लिए। कितनी आबादी है इस गाँव की जो ये रोड से प्रभावित है? 5,000 लोगों को सड़क नहीं है। यहाँ जो समस्या जो है वो तो आते हैं नेता लोग जो आते हैं, अच्छा, अपना जो से वोट लेने के लिए आते हैं और कहते हैं हो जाएगा, ठीक है, वो अपना काम जो है बन गया उनको, चल दिए, सो गए, जनता जो से मरे चाहे जिए। सांसद विधायक इन लोगों से नहीं मिले? कुछ भी सबसे मिलते हैं, कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो संपर्क सड़क है आप लोगों का, ये टोले टोलों के लोगों को चलने के लिए, कितनी टोला होगा यहाँ पर पूरे पंचायत में? 22 टोला। सभी में यही हाल है, संपर्क सड़क नहीं है, सब में यही हाल है। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देव। इस सड़क की समस्या कितने दिनों से? बहुत दिन से। परेशानी भी होती है? बहुत परेशानी। किस तरह का परेशानी? परेशानी है, धियापुता ऐसे तक चलता है, गरीब घोड़ा चलता है, उन्हें जाता है गरीब घोड़ा, एक बार बराबर एक्सीडेंट होते रहता है बराबर। मैडम क्या नाम हुआ? फिरदौस मंजरी। किस स्कूल में है आप? असिया उर्दू। इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे, कितने दिनों से परेशानी हो रही है आप लोगों? ये तो जब से आ रहे हैं तब से ऐसी ही है सड़क। तो भी कितने सालों से? 2010 से। नाम हुआ आपका? फूला देवी। कितना दिन से परेशानी हो रही है? 10 साल से ये रोड है का, ये रोड है का, ये पानी लग जाए हमारा सबके मुँह पर दिक्कत होता है, 4 लेन तक जाने में परेशानी होती है? हाँ, परेशानी हुई हमारा। क्या नाम हुआ आपका? जय प्रकाश कुमार, जिला सचिव लोक चेतना दल। अच्छा, ये सड़क का मामला है, कितना पुराना है और कितना महत्वपूर्ण है इस गांव के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अगर किसी का तबीयत अगर खराब हो जाए तो किस हाल में, अगर यहां से एक गाड़ी तक नहीं जा सकता है। अच्छा। और दो चक्का की बात ही छोड़िए, दो टू व्हीलर भी नहीं जा सकता है, आप 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़िए, तो ऐसा स्थिति है इस रोड का जो हम क्या कहें, जब होता है, जब जिस पर बीतता है वही जानता है।
अच्छा, कितना की आबादी प्रभावित होती होगी? 5000 से ऊपर है। सभी लोगों को फोर लेन तक जाने में? हाँ, फोर लेन से ही जुड़ा हुआ है। आगे जाने पर जो है से मुसर टोला सियाजू में से जुड़ जाता है, इसके बाद फोर लेन में। अच्छा, ये जो मेन रोड है गांव का, उससे संपर्क सड़क भी जुड़ा हुआ है। देखते हैं कि टोला में जाने के लिए सड़क नहीं लगता है, कितना टोला प्रभावित होगा? कई टोला है प्रभावित हो रहा है, जैसे जारंग गोटोली जाना है तो वो भी प्रभावित हो रहा है, जारंग असिया जाना है, हट जाना है, वो भी प्रभावित हो रहा है। अच्छा, ये जारंग जो है पश्चिमी पूरे पंचायत इससे प्रभावित है, ये मेन रोड से? हाँ, ये पूरा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि घूम के आना पड़ता है ना। किसी को अगर असिया जाना है तो घूम के आना है, जारंग चन्हास नगर होते हुए, जारंग चौपा टोला होते हुए असिया जाना है, तो प्रभावित होना है निश्चित। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर कई बार प्रोग्राम हो गया? दो बार प्रोग्राम हो चुका है। केवल उसमें कोई असर नहीं पड़ता इस रोड? अरे, दो बार आवेदन हम दिए वहाँ पर। अच्छा, बोला गया जो बन जाएगा, लेकिन वही है हाल, तस जस का तस ही रह गया। सड़क की समस्या से परेशान गांव वालों में कहीं अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी दिखी तो कभी प्रतिनिधियों के खिलाफ वे भड़क जा रहे थे। जी, हमारा नाम बगुनंदर मिश्र। ये कौन सा जगह हुआ? ये ग्राम पंचायत राज जारंग पश्चिमी हुआ जी। ये सड़क का मामला जो है बहुत डैमेज लगता है, ये क्या आज से नहीं सर? अच्छा, ये तो किन हो गया से 30-35 बरस की पुरानी बात है। 35 साल से रोड खराब है? ये साल से 5 वर्षीय योजना में। अच्छा, यहाँ विधायक महेश्वर प्रसाद यादव यहाँ का विधायक रहे। अच्छा, लेकिन उनके अंतराल में एक रोड़ी भी इस पर नहीं गिरा। अच्छा, रोड़ी भी नहीं इस पर गिरा। इसका क्या वजह है? इसका अब वजह तो विधायक लोग जाने, अब इस पर वरीय पदाधिकारी लोगों का क्या नजर अंदाज रहा सो भगवान जाने। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले गत वर्ष यहाँ पर आए थे, उसी के अंतराल में इस रोड में जो JCB लग करके और थोड़ा सा इधर उधर साफ सफाई किया गया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जब आए तो साफ सफाई कर दी? साफ सफाई हुआ। अच्छा, उसके बाद इस पर रोड़ी पत्थर रखा करके चला गया, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों हो गया, होते होते ये विधानसभा का इलेक्शन भी आने की कगार में है। अच्छा, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बहुत परेशानी होती होगी? बहुत बहुत। बाढ़ क्या, बारिश होता है तो इस जगह भाठना पानी हेल करके हम लोग बाढ़ में ही एक तरह से रह रहे हैं। अच्छा, अधिकारी लोगों से नहीं बात करते हैं? अधिकारी लोगों को यहाँ कोई घूम करके देखने वाला कोई किसी को नहीं। अच्छा, वीडियो कभी नहीं आते? नहीं आते हैं तो वो अपने डोलते हुए उस गाड़ी पर अपना चले जाते हैं, उनको क्या जरूरी जर्किन तो झेलना हमारे लोग का काम है, गृहस्थ है, ग्रामीण है यहाँ का, इसलिए वो झेल तो हम। कितना पब्लिक प्रभावित होगी इस रोड से? 50,000 के करीब, 50,000 से ज्यादा ही रखी है। ये तो मेन रोड का मेन रोड है जी। ये 10 गांव से जुड़ा हुआ रोड है ये। अच्छा, तो सारे लोग नाराज होंगे, प्रभावित भी होंगे? प्रभावित है क्या? इस बार हम लोगों ने इस पर निश्चय किया है कि जो हम लोगों को इस रोड का विकास करेगा, हमारी जनता को जो विकास करेगा उसको मैं वोट दूंगा, अन्यथा मैं वोट नहीं वाला। ये रोड छोड़ दिए गड्ढा है और अथी देख कर। क्या गाँव प्रभावित है? कितना गाँव प्रभावित है? ये 215 गाँव है इस रोड से प्रभावित। जारंग पश्चिमी पंचायत का मामला है, यह रोड जो है 20 वर्ष से नहीं पीछे हुआ है। अच्छा, इस रोड को हम लोग चाह रहे हैं कोई भी विधानसभा विधायक हो या जो भी जिस फंड से भी बने, लेकिन यह रोड हम लोग चाहते हैं ग्रामवासी की बने। 20 गांव से ऊपर गांव की इसमें जो है आवागमन होता है, NH57 फोर लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी आदमी इस रोड के लिए पहल नहीं किया जाता है। अधिकारी प्रतिनिधि ये लोग नहीं सुन रहे हो या वीडियो हो या बड़ी पदाधिकारी हो, कोई भी इस रोड के लिए पहल नहीं किया। मैंने कहा जिस तरह जिस हालत में हो ताकि यह रोड बने। दारू पखाली रोक रहा है, सड़क नहीं बन रहा। प्रदेश कहाँ है वो अभी? ये रोड कितना दिन से टूटा हुआ है छोटू? गाड़ी चलाने में परेशानी होती होगी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अधिकारी लोग नहीं आते हैं इधर कभी घूमने? यहाँ पर नहीं आ रहे। प्रतिनिधि लोग भी नहीं आते? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। क्या कर रहे थे बताइए तो? ये जब वोट आते हैं तो नेता लोग टहलते हैं उजला पैंट पहन कर, धोती पहन कर। अच्छा, तो कहते हैं हम रोड बना देंगे, झूलते चलते हम ये करेंगे वो करेंगे। आई रोड के जब तक रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा। प्लान कर लिए हैं इस बार? प्लान कर लिए। पक्का? अगर नेताजी जाएंगे आपके पास तो लौटा दीजिएगा उनको? हाँ, लौटा देंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा तब नेताजी। नाम है छोटू?
तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? सड़क की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा पाते। अच्छा, वर्षा में पानी लगा रहता है? बहुत पानी, कितना होता है? तो जितना दिन बारिश होता है नहीं जाते स्कूल तुम लोग। तो देखा आपने, जारंग पश्चिमी पंचायत की यह हकीकत है। ग्राम पंचायत में तमाम तरह की योजनाएं दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सड़कों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, इसके बावजूद गांव की जो यह तस्वीर है मात्र एक सड़क के लिए ललायत है। कहा जाता है कि इस गांव में अगर सड़क बन जाए तो यह गांव तरक्की के रास्ते पर खुद ब खुद चल सकेगा। बावजूद इन लोगों को एकमात्र सड़क के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार है जैसे लगता है कि किसी घर में दूल्हे का इंतजार रहता हो। बताया जाता है कि इनकी बेबसी ऐसी है कि लोग जब मरीज बीमार पड़ते हैं तो उनको गोद में उठा के ले जाने की मजबूरी होती है। जब इस इलाके में दूल्हे की शादी होती है तो गोद में उठा के ले जाई जाती है। नई नवेली दुल्हन आती है तो यहाँ जो संपर्क सड़कों का जो अभाव दिखता है जिस टोले में, वहाँ गोद में दुल्हन को उठा के ले जाने की मजबूरी होती है। इन लोगों को जब जरूरी है एकमात्र सड़क की, और इंतजार है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से कि आखिर उनकी नजर कब इस बस्ती तक पहुंच सके। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज लाइव, गायघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार। यह थी अब तक की खबरें। आप देश और दुनिया और गांव से शहर तक की तमाम बड़ी एवं एक्सक्लूसिव खबरों के लिए